वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा स्टार्ट कर दिया था एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस थे। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि फॉसिल्स जो है वो किस तरीके से इवोल्यूशन को बताती है, कि इवोल्यूशन किस डायरेक्शन के अंदर हुआ है। ठीक है, आज हम लोग उसी चीज को आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा एविडेंस को, कि कौन कौन से एविडेंस है जो हमें ये दिखाते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है और वो किस डायरेक्शन के अंदर हुआ है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एविडेंस होगा इवोल्यूशन का, वो फर्स्ट होगा बेटा आपका मोर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब कि बाहर से देखने पे मोर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, मतलब कि अंदर के स्ट्रक्चर और बाहर से देखने पे अपीयरेंस, इनके इनके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जो इवोल्यूशन है वो किस डायरेक्शन के अंदर हुआ है। ठीक है ना, दो बेसिस रहेंगे मेरे, मोर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। मतलब देखने पे हमें क्या, देखने पे हम ये पता लगाएं कि जो इवोल्यूशन है वो किस डायरेक्शन के अंदर हुआ है। इसके अंदर बेटा मेरे पास दो तरीके के कोई भी ऑर्गन होते हैं। एक होता है मेरा होमोलोगस, एक वर्ड होता है मेरा होमोलोगस, होमो मतलब सेम, और एक होता है बेटा एनालोगस। ठीक है ना, एक होता है मेरा एनालोगस। ठीक है ना, इन दो चीज पे मैं अपने डिवाइड करता हूं, किसी भी अपने मोर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल को दो बेसिस पे डिवाइड करता हूं, एक होमोलोगस और एक एनालोगस। ठीक है, कैसे, अगर मान लो मैं कंपेरिजन करता हूं, होमोलोगस का क्या मतलब होता है बेटा? होमोलोगस का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेटा स्ट्रक्चर तो आपका सेम हो, जिनका बेटा स्ट्रक्चर तो आपका क्या हो, सेम हो, लेकिन फंक्शन आपके क्या हो बेटा, फंक्शन आपके डिफरेंट हो, ऐसे उनको हम बोलते हैं बेटा होमोलोगस स्ट्रक्चर। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब आप एक चीज देखो, ये देखो वेल, फ्रॉग, हॉर्स, लायन, ह्यूमन, बैट और बर्ड। बेटा अगर आप इनके बेटा फोर लिम्स को आप देखते हो, तो आप एक चीज कॉमन देखोगे, क्या कि इनके यहां पे बेटा एक बोन ह्यूमरस सबके अंदर कॉमन है। ये देखो, ये सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, सबके अंदर है। उसके बाद ये जो सेकंड जो बोन आती है हमारी, इनको हम बोलते हैं रेडियस और अल्ना, ये भी आपकी सबके अंदर प्रेजेंट है, ये भी सबके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सबके अंदर प्रेजेंट है। और आप देखो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स को आप स्टडी करो, सबके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन बेटा ये प्रेजेंट तो सबके अंदर है, लेकिन इनके बेटा सब बंदे के काम अलग अलग है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके फोरलिम का क्या काम होता है, जैसे ऑब्जेक्ट को होल्ड करना, ठीक है ना, पकड़ना किसी भी ऑब्जेक्ट को। जो चीता है, जो लोयन है, ठीक है ना, उनका क्या काम है बेटा, रनिंग का काम है, हाथ से मतलब फोर लिम्स से रनिंग करते हैं। ठीक है, जो बैट है बेटा वो फोर लिम्स से फ्लाइंग करता है। ठीक है, वहीं आपका जो आपका वेल है वो क्या करती है, स्विमिंग करती है। तो बेटा स्ट्रक्चर आपके सेम है, स्ट्रक्चर इनका कहीं ना कहीं सिमिलर है, लेकिन फंक्शन सबका अलग है। ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं, होमोलोगस स्ट्रक्चर बोलता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि कहीं ना कहीं इन सब बंदों के स्ट्रक्चर एक हुए, लेकिन कंडीशन अलग अलग होने की वजह से इनके बेटा जो फंक्शन है वो आपके क्या हो गए, अलग अलग तरीके के हो गए। तो बेटा ऐसे इवोल्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलता हूं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलता हूं। डाइवर्जेंट क्यों बोला है, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं ये पहले एक ही थे, उसके बाद कंडीशन अलग अलग आई, इसलिए इन्होंने अपने स्ट्रक्चर से अलग अलग तरीके के फंक्शन शुरू कर दिए, इसलिए मैंने उसको क्या बोला है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोला है। क्या बोला है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हमने उसको बोला है। उसके बाद बेटा आप देखो यहां पे नेक्स्ट एग्जाम्पल आया हर्ट का। हर्ट में आप देखो फिशिस का हर्ट, एम्फीबियंस का हर्ट, रेप्टाइल्स का हर्ट, बर्ड्स का हर्ट, मैमल्स का हर्ट। बेटा इन सब के अंदर आपको आर्ट्रिया और वेंट्रिकल आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, लेकिन
आपको आर्ट्रिया और वेंट्रिकल देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं पे ही आपका, लेकिन इनकी क्या है बेटा, आपकी हैबिटेट अलग अलग है। जो फिश का हार्ट होता है वो वाटर के अंदर, ठीक है, ठीक है ना। आपका ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट है एम्फीबियंस का, ठीक है ना, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का और मैमल्स का आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है, ठीक है। तो बेटा स्ट्रक्चर आपका सिमिलर है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका सिमिलर है और जो फंक्शन है वो आपके अलग अलग है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं मान लो बात करता हूं किसकी, बोगनविलिया प्लांट की, बोगनविलिया और क्यूकरबिटा प्लांट की। देखो मैंने यहां पे फंक्शन अलग अलग क्यों बताया, क्योंकि देखो इनके अंदर क्या है, आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है, लेकिन इसके अंदर आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होता, इसलिए क्या है फंक्शन आपके अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये फंक्शन अलग करता है, ये फंक्शन अलग करता है, ये फंक्शन अलग करता है, ये अलग करता है, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन इनमें क्या होता है, आपका ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, प्योर और इम्प्योर मिक्स हो जाता है, ये नहीं होने देते, ठीक है ना, इसलिए बेटा अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, है सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी तरीके से बेटा अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, बुगनविलिया के अंदर बेटा, बुगनविलिया के अंदर आपका यहाँ पे आपकी थ्रोन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं ऑक्सिलरी बर्ड की बात करता हूं, ये आपकी ऑक्सिलरी बर्ड की तरह काम करता है, ये आपका थ्रोन में डेवलप हुआ है। वहीं बेटा क्यूकरबिटा के अंदर यही चीज आपकी किस में डेवलप हो जाती है, टेंड्रिल में डेवलप हो जाती है। इनका बेटा स्ट्रक्चर सेम है लेकिन आपका फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन अलग अलग कैसे है, थ्रोन तो किस चीज में काम करता है बेटा, प्रोटेक्शन में काम करता है। टेंड्रिल किस चीज में काम करती है बेटा, टेंड्रिल इसको ऊपर तक, हाइट तक अचीव करने में हेल्प करती है, इसको ऊपर तक लेके जाती है, किसी के सहारे सहारे अटैच होके होके इनको ऊपर तक मूव करवाती है, ठीक है, मूव कराती है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी एनालोगस। एनालोगस फीचर कौन से होते हैं बेटा, एनालोगस वो होते हैं जो बेटा आपका आपका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर तो आपका डिफरेंट हो लेकिन सिमिलर फंक्शन हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई कि उन्हें सेम फंक्शन करना पड़ा, तो उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, एनालोगस ऑर्गन बोलता हूं। जैसे देखो बटरफ्लाई की विंग देखो और बैट की विंग देखो, दोनों का बेटा काम क्या है, उड़ना है, फ्लाइंग करना है, लेकिन बेटा इनके स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंस होता है। इसलिए बेटा आपका ये कभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे लेकिन इनका कॉमन फंक्शन आ गया, इसलिए इनका काम कॉमन आ गया, एक क्या, फ्लाइंग करने का। तो ऐसे इवोल्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलता हूं। आप देख रहे हो ना कि एक पोजिशन पे क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए, एक पोजिशन पे आपके मिल गए। इसलिए एनालोगस ऑर्गन्स को जो आपका इवोल्यूशन होता है मैं उसको क्या बोल सकता हूं, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन भी बोल सकता हूं, कन्वर्जेंस इवोल्यूशन भी बोल सकता हूं, ठीक है। और कौन कौन से एग्जाम्पल है, ऑक्टोपस का देखो बेटा, आप ऑक्टोपस का देखो, ऑक्टोपस के और ह्यूमन आई जो है दोनों बेटा देखने का काम करती है, लेकिन यहां पे देखो आप जो इसकी रेटिना है वो देखो आपकी आगे की तरफ है, ठीक है, ऑप्टिकल्स नर्व आपके पीछे की, यहीं पे जो आपकी ह्यूमन बीइंग में जो ऑप्टिकल्स नर्व होती है वो बेटा रेटिना के ऊपर की तरफ होती है। इसमें देखो इसमें पीछे की तरफ है, इसमें पीछे की तरफ है, और यहां पे क्या है बेटा आगे की तरफ होती है, ये डिफरेंस होता है बेटा ऑक्टोपस में और ह्यूमन में। अगर बेटा डॉल्फिन और पेंगुइन की बात करता हूं, फिन्स की बात करता हूं, तो बेटा दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है लेकिन दोनों काम क्या करती है, आपका तैरने में काम करती है। अगर बेटा इसकी बात करता हूं पोटैटो और स्वीट पोटैटो की, तो एक तो मॉडिफाइड रूट है और एक मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन बेटा फंक्शन क्या है दोनों का फंक्शन है बेटा स्टोरेज का, फूड स्टोरेज का, ठीक है ना। तो एनालोगस का मतलब क्या हुआ, जिनका आपका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, उसको मैं क्या बोलता हूं, एनालोगस बोलता हूं। तीसरा पॉइंट आता है बेटा मेरा वेस्टिजियल ऑर्गन, तीसरा पॉइंट आता है एविडेंस दिखाता है मेरा वेस्टिजियल ऑर्गन। कई सारे बेटा ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके
खत्म हो चुके हैं बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर बिल्कुल कोई काम के नहीं है, लेकिन बेटा ये ऐसे ऑर्गन है जो कभी ना कभी बेटा काम के रहे होंगे। जैसे बेटा जो अपेंडिक्स है, जो अपेंडिक्स है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के पास, आप देखते हो अपेंडिक्स, ये बेटा एनिमल्स के अंदर काम आता है। किस चीज में काम आता है? ये जो सेलुलोज खाते हैं ना, जो मतलब लीफ वगैरह खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में काम आता था, उसको ब्रेक डाउन करने में काम आता था, लेकिन बेटा ह्यूमन बींग्स ने वो चीज खाना खत्म कर दी, तो इस वजह से जो बेटा अपेंडिक्स है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसलिए हम बेटा ये कह सकते हैं कि जो अपेंडिक्स है वो कभी ना कभी क्या रहा होगा, काम कर रहा होगा। वहीं बेटा अगर मान लो विजडम टीथ की बात करता हूं, विजडम टीथ की बात करता हूं, तो आपने सुना होगा कि जो आपकी मोलर्स हैं, जो आपके दांत, जो पीछे वाले दांत हो, जो सबसे पीछे वाले दांत, वो आप जब मैच्योर हो जाते हो तब जाके आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि, क्योंकि पहले क्या था, जो मतलब एंशिएंट, जो आपकी चिंपैंजी वगैरह, अगर मैं मान लो अपने एंसेस्टर की बात करता हूं, तो उन्हें काफी हार्ड जो है सब्सटेंस को अचीव करना पड़ता था, इसलिए बेटा विजडम टीथ की जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। लेकिन अब इतनी नहीं पड़ती, इसलिए वो क्या होते जा रहे हैं बेटा, वेस्टिजियल होते जा रहे हैं। बॉडी हेयर जो है बेटा वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, आपके खत्म होते जा रहे हैं। मेल निपल जो है बेटा वो भी आपके क्या है, खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आपके ईयर मसल्स जो है, ठीक है, ये आपकी धीरे धीरे क्या है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में आ रहे हैं। और ये दिखाते हैं कि इन चीजों का कभी ना कभी यूज था, तो ये हमें कनेक्टिंग लिंक दिखाते हैं कि हम लोग पहले इस तरीके से थे। और एक बेटा एक और तरीके से हम इवोल्यूशन को देख सकते हैं, मोलिकुलर बेसिस पे। आजकल मोलिकुलर बेसिस पे कैसे, कि किस बंदे का डीएनए जो है वो मैच हो रहा है किस ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है ना। हम मैच कर लेते हैं, हमारा डीएनए चिंपैंजी के साथ मैच हो रहा है, या मंकी के साथ मैच हो रहा है, या फिर लोयन के साथ मैच हो रहा है, तो उससे हम ये दिखा सकते हैं बेटा कि हमारा जो ओरिजिन है वो किस डायरेक्शन में आपका हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी कनेक्टिंग लिंक की। बेटा अगर मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो एक तरफ चिंपैंजी है और एक तरफ है ह्यूमन बीइंग, तो कभी ना कहीं बेटा इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिसके पास चिंपैंजी के भी कैरेक्टर रहे होंगे और जिसके पास ह्यूमन बीइंग के भी कैरेक्टर रहे होंगे, तभी तो यहां से ये जो है आपका अलग डायरेक्शन में गया है। तो ऐसा लिंक बेटा जो आपका दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी शो करता है कि हाँ बेटा ये यहां से आपके अलग अलग हुए हैं, एक ऐसा रास्ता जहां से दो रास्ते अलग हुए हैं, उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं बेटा, कनेक्टिंग लिंक बोलता हूं। ऐसे ही बेटा कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लो युगलीना है, युगलीना बेटा दोनों के कैरेक्टर रखता है, प्लांट के भी और एनिमल्स के भी। कैसे? प्लांट्स का बेटा इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक ना। प्लांट्स का क्या होता है बेटा, इसके पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन कैटेगरी किस में आता है बेटा, एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। पेरिपेटस जो होता है बेटा, पेरिपेटस जो होता है ये आपका अर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के अंदर क्या है बेटा, कनेक्टिंग लिंक है। अर्थ्रोपोडा और किसके अंदर, एनिलिडा के अंदर बेटा कनेक्टिंग लिंक है। एनिलिडा के साथ कनेक्टिंग लिंक क्यों है बेटा, क्योंकि जैसे एनिलिडा जैसे वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से ये स्ट्रक्चर रखता है। और अर्थ्रोपोडा के साथ कनेक्टिंग लिंक कैसे है बेटा, जो इसके अंदर बेटा आपकी कैविटी होती है वो कैसी होती है, आपकी अर्थ्रोपोडा जैसी होमोसील्स होती है, अर्थ्रोपोडा जैसी होती है बेटा। जो इसका हार्ट है वो अर्थ्रोपोडा जैसा होता है, जो इसकी ट्रैकिया है वो आपकी अर्थ्रोपोडा जैसी होती है, ठीक है, ठीक है। वही मैं आपको एक होता है बेटा आपका, एक है आपकी लैटिमेरिया फिश। जो ये लैटिमेरिया फिश है बेटा, ये आपकी कनेक्टिंग लिंक है बेटा एम्फीबियंस के बीच में और बेटा फिश के बीच में, ठीक है ना, एम्फीबियंस के बीच में और बेटा फिश के बीच में, ठीक है। वही बेटा आपका एक आया था आपका जीनो टर्बेला, ये बेटा आपका मेटाजो और प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है आपका कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। ये कुछ एक कनेक्टिंग लिंक थे बेटा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक होता है बेटा एटाविज्म। एटाविज्म क्या है कि
ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं बॉडी के अंदर, लेकिन एकदम से आपका कहीं ना कभी आपके सामने अपीयर आपके हो जाते हैं, ठीक है, आपके हो जाते हैं। आपने देखा होगा बेटा, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि किसी बच्चे के आपने टेल प्रोड्यूस होती हुई न्यूज के अंदर आ गई, ठीक है ना। वो क्यों आती है बेटा? क्योंकि कभी ना कभी जो है ह्यूमन के अंदर इस तरीके के जीन आपके रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्या दिखाता है बेटा? एविडेंस दिखाता है कि हाँ, इवोल्यूशन में आपका कहीं ना कहीं ये जीन रहे होंगे। वहीं बेटा आपका जो सिट्रस का प्लांट होता है, इसकी जो लेमिना होती है, बेटा, यहाँ पे आपके विंग लाइक दो आपके क्या होते हैं, पेट्यूल होती है, ठीक है। जो आपकी क्या हो गई इवोल्यूशन के टाइम पे, क्या हो गई आपकी, कंस्ट्रिक्टेड हो गई, मतलब जुड़ गई। लेकिन बेटा कभी कभी ये क्या हो जाती है, आपकी सेपरेट सेपरेट भी आ जाती है। तो ये दिखाती है कि पहले ये क्या था, आपका ट्रिपलेट लीफ था, मतलब पहले ये आपका तीन लीफ आपके अलग अलग थे, बाद में ये क्या हुआ है, आपका ज्वाइन हुआ है। उसी तरीके से बेटा मैं क्या बोलता हूं, एम्ब्रियोलॉजी बेटा एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये कई पॉइंटों पे आपका एविडेंस दिखाता है। कैसे कि कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, जैसे मान लो आपका ह्यूमन हो गया, ठीक है, कैट हो गई, चिकन हो गया, पोन टर्टल हो गए, फीसिस हो गई, इनके बेटा अगर आप डेवलपमेंट स्टेज देखोगे ना, जैसे मान लो पहली जो क्लीवेज होगी, जाइगोट बना, जाइगोट से मोरूला बना, मोरूला से गैस्ट्रूला बना, ये सबके सब बेटा आपकी सिमिलर होती है, ठीक ना। वहीं बेटा अगर मान लो और इनके लार्वा की मैं बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं देखो, इन सबके अंदर आपको जो गिल्स है बेटा, जो फ्रेंजिल साइट्स हैं, वो सबके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। नोटोकोड बेटा सबके अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट के अंदर बेटा कन्वर्ट होते हैं, तो इनकी जो नोटोकोड है, जो फ्रेंजिल गिल्स है बेटा, ये आपके खत्म होने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एम्ब्रियो के टाइम पे तो ये चीज होती है, लेकिन एडल्ट बनते बनते ये चीज क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ये दिखाती है कि इन बंदे के पास क्या है, गिल्स थे, ठीक है ना, और अब ये क्या हुए हैं, आपके खत्म हो गए हैं, ठीक है। बर्ड्स की बात करता हूं तो उनके एम्ब्रियो के अंदर आपको जो टूथ है, जो दांत है, वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन बेटा आपके माउथ में, उनके माउथ में, मतलब एडल्ट होते होते वो चीज क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपको इसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे बेटा आपका लो दिया गया, एक लो दिया गया, बायोजेनेटिक लो। ये क्या कहता है आपका कि जो एम्ब्रियोलॉजी है वो क्या करती है बेटा, इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। वो दिखाती है कि इवोल्यूशन किस तरह डायरेक्शन में हुआ है, और ये किसने दिया बेटा, आपका अर्नेस्ट हैकल ने इसको दिया था, ठीक है ना। तो इसकी स्टडी को बेटा एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो की स्टडी को, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या होता है बेटा। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस होता है कि अगर हम लोग प्लांट या एनिमल का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर प्लांट या एनिमल का अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस बोलता हूं। वहीं पे ही बेटा आपका जो एक साइंटिस्ट थे वेलेस, ठीक है ना, WALACE, इन्होंने क्या कहा कि जो अर्थ थी, इनिशियली जो अर्थ थी बेटा, ये सारा रीजन आपका क्या था, अर्थ का सारा रीजन बेटा, अर्थ अगर मान लो मैं पूरा एक अर्थ को इस डायरेक्शन में दिखाता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में दिखाता हूं, तो अर्थ के ऊपर बेटा आप आज क्या देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अलग है,
ठीक है ना, साउथ अफ्रीका अलग है, नॉर्थ अफ्रीका अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है। लेकिन बेटा इन्होंने क्या कहा कि पहले जो है ये सारे के सारे क्या थे, आपके इकट्ठे ही थे, सारे के सारे पहले क्या थे, आपके इकट्ठे ही थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा बेटा, जैसे मान लो आपका जो रशिया वाला जो इलाका है, जो एशिया का जो इलाका है, इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, इन्होंने इसको नाम दिया था बेटा पैलियो इरेटिक, पैलियो इरेटिक। और जो नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया था बेटा, इसको इन्होंने क्या बोला था, नियरेटिक बोला था। और जो आपका सेंट्रल अमेरिका था, जो सेंट्रल अमेरिका था, इसने इसको न्योट्रोपिकल बोला था। और जो आपका अफ्रीका वाला इलाका था, अफ्रीका वाला जो इलाका था बेटा, इसने इसको बोला था इथोपिया। और जो आपका ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया को और अंटार्कटिका को मैं इंक्लूड कर देता हूं, इसको बोला था बेटा ओरिएंटल, ठीक है ना, ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल, ठीक है। इस हिसाब से बेटा उसने क्या किया था कि अर्थ जो है वो सारी की सारी इकट्ठी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनकी जो प्लेट है, अर्थ की जो प्लेट है, वो बेटा खिसकने लगी, दूर दूर जाने लगी। इस वजह से क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया है, जो अमेरिका है, वो आपके अलग अलग हो गए, ठीक ना। आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इस साइड आपका रशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ये आपके सारे अलग अलग हो गए, ठीक ना। तो इसके बेसिस पे बेटा इन्होंने क्या देखा, इसके बेसिस पे बेटा इन्होंने दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन लगाए। एक बताया बेटा इन्होंने डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो दो ऑर्गेनिज्म आपके कंडीशन की वजह से क्या हो जाए, है तो दोनों इकट्ठे ही, लेकिन उनके बीच में कंडीशन ऐसी आ जाए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूं। अगर जैसे मान लो आज मैं ये कहता हूं कि ये जो है हिमालय, इसके इस साइड इंडिया है और इसके इस साइड आपका चाइना है, तो बेटा जो चाइनीज जो प्रोजेनी है वो आपकी अलग होती है, इंडियन प्रोजेनी आपकी अलग होती है, ठीक है ना। है दोनों एक ही कंडीशन में ही, लेकिन इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ है दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में ही, लेकिन कंडीशन अलग अलग होने की वजह से इनको में क्या हुआ बेटा, चेंजेस आया। वहीं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, अगर मान लो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया आज आपके बिल्कुल कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट है, तो बेटा वहां पे सारे क्या है, आपके एक जैसी कंडीशन है, इसलिए बेटा आपको एक जैसे आपको मैमल्स वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वहां पे आपको एक पाउच मैमल देखने को मिलते हैं, जो आपका क्या है बेटा, सिर्फ कहां पे प्रेजेंट है, आपका ऑस्ट्रेलिया के ही अंदर प्रेजेंट है, उसको मैं क्या बोलता हूं, रेस्ट्रिक्टेड मैमल्स बोलता हूं, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूं। आई होप बेटा आप लोगों को ये जो चीज है ये समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।